आज बात होगी इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल रुखसाना सुल्ताना की। वो रुखसाना सुल्ताना जिसे स्मगलर से लेकर कॉल गर्ल तक कहा गया। आप आज बेशक इनके नाम से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन इमरजेंसी के दौर में इनका बहुत खौफ था। खासकर मुसलमान तो इनके नाम से भी कांपते थे। अब इमरजेंसी में यूं तो कई किस्से हैं जो आपको सुनाए जा सकते हैं, लेकिन आज बात होगी नसबंदी की। इमरजेंसी के दौर में सरकार तो इंदिरा गांधी की थी, लेकिन चला उसे उनके बेटे संजय गांधी रहे थे, जिन पर नसबंदी का आरोप लगता है। संजय गांधी के साथ एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में आता था, वो नाम था रुखसाना सुल्ताना का। इसलिए आज की इस वीडियो में बात ना तो संजय गांधी की होगी और ना ही इंदिरा गांधी की, बात होगी रुखसाना सुल्ताना की। लेकिन क्यों, आखिर कौन है ये रुखसाना सुल्ताना, आज यही आपको असद बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी के दौरान देश में कई ऐसी चीजें हुई जिसने लोगों में सरकार के खिलाफ नफरत पैदा की, और इसी में से एक था नसबंदी अभियान। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लोगों की जबरन नसबंदी की गई। इस दौरान संजय गांधी के साथ ही एक नाम काफी चर्चा में था, ये नाम था रुखसाना सुल्ताना का। रुखसाना को संजय गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। उन्हें नसबंदी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्हें इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल के नाम से जाना गया। इस नसबंदी अभियान की शुरुआत दिल्ली से की गई और इसके लिए चार लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर किशन चंद, नवीन चावला, विद्याबेन शाह और रुखसाना सुल्ताना का नाम शामिल था। माना यह जाता है कि रुखसाना को मुस्लिम समुदाय के लोगों को नसबंदी के लिए राजी करने का जिम्मा सौंपा गया था। देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब द संजय स्टोरी आनंद भवन से अमेठी तक में इमरजेंसी के इस हिस्से के बारे में लिखते हुए रुखसाना सुल्ताना के बारे में बताया है कि एक बार जब वो नसबंदी अभियान की कवरेज करने दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे तो वहां लोग बेहद गुस्से में थे। इस अभियान को लेकर लोगों में दहशत का माहौल था। वहीं रुखसाना का लोगों में इतना डर था कि उनकी गाड़ी देखते ही लोग कांपने लगते। पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी किताब में लिखा है कि जब इस बारे में उनकी रुखसाना से बात हुई तो उन्होंने भी बाकी नेताओं की तरह ही इस तरह के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रुखसाना ने कहा कि नसबंदी अभियान मानवीय और स्वैच्छिक तरीके से चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कांग्रेस के पुराने नेताओं की साजिश है, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई दूसरा उनके इलाके में कुछ काम कर रहा है। रुखसाना का कहना था कि इस मामले में राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। रुखसाना ने कहा कि आप खुद जाकर लोगों से पूछ सकते हो कि नसबंदी स्वेच्छा से हो रही है या जबरन। इसके बाद मेहता रुखसाना के साथ उनकी कार में बैठकर पुरानी दिल्ली के एक मकान में पहुंचे। जिस घर में रुखसाना उन्हें लेकर गई थी वहां बेहद डरावनी शक्ल वाले लोग थे। जब मेहता ने रुखसाना से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो जवाब देते हुए रुखसाना ने कहा, ये राजस्थानी नायक हैं, आप इसे देख रहे हैं, ये इनका मुखिया है, इसने 8 मर्डर किए हैं और एक भी लाश नहीं मिली। ये सब देखकर मेहता हैरान रह गए। उन्होंने आगे लिखा कि ये लोग रुखसाना के मानवीय और स्वैच्छिक तरीके वाले नसबंदी कैंप चला रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शुरू हुए नसबंदी अभियान से लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। कुछ मुस्लिमों को लगा कि सरकार उनकी आबादी कम करने की साजिश कर रही है। वहीं ये भी खबर सामने आई कि टारगेट पूरा करने के लिए 18 साल के युवाओं और 60 साल के बुजुर्गों की जबरन नसबंदी कराई जा रही है। इसकी शिकायतें संजय गांधी तक भी पहुंचती थीं, लेकिन वो इनको खारिज कर देते थे और करते भी क्यों नहीं। वैसे उन्होंने संजय गांधी के लिए सिर्फ नसबंदी का जिम्मा नहीं संभाला था, बल्कि इमरजेंसी के समय ही जब संजय ने दिल्ली को स्लम फ्री बनाने का प्लान बनाया तो उन्होंने रुखसाना को तुर्कमान गेट की गंदगी साफ करने का जिम्मा सौंपा। इसके बाद इस इलाके में कई बुलडोजर पहुंच गए और तबाही मचा दी। जब लोग इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर आए तो उन पर लाठी डंडे बरसाए गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस घटना में 6 लोग मारे गए थे। इस घटना की जांच के लिए शाह कमीशन का गठन किया गया, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में बुलडोजर के पहिए नहीं रुके और 1975 से 77 के बीच दिल्ली को खूबसूरत बनाने के नाम पर करीब 1.5 लाख मकान तोड़े गए, जिससे 6 से 7 लाख लोग बेघर हो गए। अब आपने ये तो जान लिया कि रुखसाना ने क्या क्या किया, अब आपको ये बताते हैं कि रुखसाना कौन थी। बताया जाता है कि रुखसाना एक सोशल वर्कर थी जो पुरानी दिल्ली में एक बुटीक चलाती थी। रुखसाना ने सेना के अधिकारी शिवेंद्र सिंह विर्क से शादी की थी, लेकिन उनका तलाक हो गया और इसी के बाद वो बुटीक संभाल रही थी। वहीं रुखसाना की बेटी अमृता सिंह बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जो सैफ अली खान की पूर्व पत्नी हैं और सारा अली खान की माँ भी हैं, यानी सारा अली खान की नानी रुखसाना ही थी। अब अगर बात करें कि रुखसाना सुल्ताना संजय गांधी से कैसे मिली, तो कहा जाता है कि वो एक कार्यक्रम के दौरान संजय गांधी के पास पहुंची और कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ।
इस सवाल पर संजय गांधी ने उनसे कहा कि आप मुसलमानों की नसबंदी करने का जिम्मा संभाल ले। बस फिर क्या था, आगे की जो कहानी है वो हमने आपको आज सुनाई ही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।